शर्मा टेल सेंटर में आपका स्वागत है। मेरा नाम है राज शर्मा। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। ये चैनल स्पेशली आपके NIOS स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। तो ये जो चैप्टर है ये आपका NIOS स्टूडेंट्स पे एप्लीकेबल है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस भी देखी होंगी, ठीक है। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होएगा अगर आप इस आराम से एकदम एनालाइज करके देखें। मैं राज शर्मा सर को हेल्प करती हूँ, उनको उनके साथ थोड़ा उनके साथ काम करती हूँ इस चीज़ को लेके। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहा। तो बिना देरी करें हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। यहाँ पे देखो, सबसे पहला टॉपिक, आप सबसे पहली चीज़ आपकी पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है कि द बेसिक कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग इज़ टू अटेन नोबल गैस कॉन्फिगेशन। इसका मीनिंग क्या है कि जो केमिकल बॉन्डिंग होती है वो हम केमिकल बॉन्डिंग क्यों करते हैं, केमिकल बॉन्डिंग का होना क्यों ज़रूरी है, या केमिकल बॉन्डिंग का होने का क्या रीज़न है, कॉज क्या है केमिकल बॉन्डिंग के होने का। तो जो आपका केमिकल बॉन्डिंग होने का जो रीज़न है वो है अटेन करना नोबल गैस कन्फिग्रेशन। अब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन होता क्या है हम आगे पॉइंट्स में पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ठीक है। अब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन कैसे अटेन करेंगे? आइदर बाय ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन और बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू नॉन मेटल अटम्स। इस चीज़ को ध्यान से समझो। देखो, आप इस चीज़ को ध्यान से समझोगे ना आपको समझ आएगा। देखो, सबसे पहली बात तो बोला कि बेसिक कॉज केमिकल बॉन्डिंग का होता है अटेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन को करना। अब ये नोबल गैस कन्फिग्रेशन हम कैसे अटेन करेंगे? या तो ट्रांसफ़र करेंगे इलेक्ट्रॉन को मेटल से नॉन मेटल में, ठीक है, या शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू नॉन मेटल से। अब ध्यान रखना है, देखो, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है, इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफ़र हो सकता है वो आपका मेटल टू नॉन मेटल ट्रांसफ़र हो सकता है, मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल टू मेटल नहीं, मेटल टू नॉन मेटल और नॉन मेटल टू मेटल, नॉन मेटल टू नॉन मेटल। ध्यान से दोबारा से समझनी है आपको बात। देखो, ये हो सकता है आपका आपका जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो सकता है वो मेटल, एम मतलब मेटल टू नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल टू नॉन मेटल भी कर सकते हो, एक नॉन मेटल है दूसरा भी नॉन मेटल है, कर सकते हैं, ये दोनों अलाउड है, लेकिन नॉन मेटल से मेटल में नहीं हो सकता है। इज दैट क्लियर? ये पहला पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। अटम्स ऑफ एलिमेंट्स डजेंट एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर, यानी कि किसी भी मतलब कोई भी अटम होता है उसके जो एलिमेंट्स होते हैं आपके वो एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करते हैं। एग्जिस्ट फ्रीली नहीं करते हैं मतलब वो किसी ना किसी के साथ रिएक्ट करके अपना पेयर बना लेते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जैसे आपका इलेक्ट्रॉन, अच्छा मुझे बताओ आपके अटम के एलिमेंट्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है नेचर में, वो किसी ना किसी के साथ क्या कर देते हैं मतलब पेयर अप कर लेते हैं, ठीक है। जो हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा था वही चीज़ है ये। इन ऑल द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ नोबल गैसेस, ये देखो ध्यान से सुन, इन ऑल द एटम ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट ऑफ नोबल गैसेस हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन अ वैलेंस सेल। मतलब सारे अटम मतलब जो अटम्स हैं उनके जो एलिमेंट है वो एग्जिस्ट नहीं करते, डजन एग्जिस्ट फ्रीली इन द नेचर इन ऑल द एटम ऑफ द ऑल एलिमेंट एक्सेप्ट ऑफ द नोबल गैसेस। लेकिन नोबल गैसेस में ऐसा नहीं होता है, उनके में क्या होता है, नोबल गैसेस में हैव लेस देन 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल, यानी कि जो आपका वैलेंस सेल होता है ना, वैलेंसी वाला सेल होता है, आपके सेल के नाम क्या होते हैं, के एल एम एन होता है, चार हम पढ़ते हैं, ठीक है, ये सेल्स होते हैं। तो जो वैलेंसी वाला सेल होता है ना उसमें किससे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, 8 से कम होते हैं, ठीक है। ओके, आपको आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नॉर्मली गैसेस डू नॉट रिएक्ट विद अदर एलिमेंट इन नॉर्मल कंडीशन, ठीक है ना, गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं अदर एलिमेंट के साथ नॉर्मल कंडीशन में, एज दे हैव अ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो
स्टेबल होता है, दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द ए वैलेंस सेल और आउटर मोस्ट सेल, यानी वैलेंस सेल में या आउटर मोस्ट सेल में जो है उनके कम से कम 8 होते हैं। तो अब मुझे बताओ सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा जिसकी वैलेंसी वाला सेल कंप्लीट नहीं होगा। लेट से देखो, सबसे पहले आपका हाइड्रोजन आता है, हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होता है? एक। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँ तो आपके देखो KLmN होता है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रोजन का देखूँ तो K में कितना आएगा? 1। यानी कि इसको कितने चाहिए होते हैं पहले सेल में? 2 चाहिए होते हैं। तो ये रिएक्टिव होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसकी वैलेंसी पूरी नहीं हुई है, इसको एक और पेयर चाहिए, तो रिएक्टिव होगा। लेकिन अगर मैं वहीं आपके हीलियम की बात करूँ तो हीलियम में 2 होते हैं, तो उसका पहले में 2 आ जाएगा, तो उसके 2 कंप्लीट होने के बाद उसको ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है, उसका वैलेंसी पूरा है, ठीक है। तो ये रिएक्टिव नहीं होगा। सो हाइड्रोजन इज़ मोर रिएक्टिव देन दिस हीलियम, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बोली है कि जो गैसेस होती हैं वो जल्दी रिएक्ट नहीं करती है नॉर्मल कंडीशन में, क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होता है? पूरा होता है। उनके जो आउटर मोस्ट या वैलेंस सेल में वो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो उतना रिएक्टिव नहीं होते। ऑल द एटम्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्वायर स्टेबल स्टेट, सारे जो एटम होते हैं उनके पास टेंडेंसी होती है कि वो एक स्टेबल स्टेट को एक्वायर करें और नोबल गैस कन्फिग्रेशन करें। देयरफॉर दे कंबाइन विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट टू एक्वायर 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस सेल बाय गिविंग, टेकिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन, है ना। अब मुझे बताओ ये जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ये क्यों होता है? इसी वजह से होता है क्योंकि मतलब सबके पास, सारे जो एटम्स हैं उनके पास ये टेंडेंसी है कि वो एक स्टेबल स्टेट को अचीव कर सकते हैं। उस स्टेबल अचीव को करने को ही हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन कहते हैं, ठीक है ना। और वो मोस्टली क्या करते हैं, ज़रूरी नहीं एक के साथ मिले, वो दूसरे के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ भी वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन के साथ भी पेयर बना लेते हैं। बस उन्हें क्या करना होता है, एक स्टेबल स्टेट अचीव करना होता है, ठीक है। इसी जो बेसिक कॉज है केमिकल बॉन्डिंग का, इसे क्या बोलते हैं, ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेट रूल। दैट क्लियर? तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट इज ऑक्टेट रूल, एक क्वेश्चन आप ये नोट डाउन कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अब देखो एटम्स ऑफ एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर बाय केमिकल बॉन्डिंग। ऑब्वियसली मॉलिक्यूल में हेल्ड किसकी वजह से होते हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से होते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ अ केमिकल बॉन्ड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ एनर्जी। ध्यान से सुनो क्या बोल रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड की वजह से क्या आता है? लोअरिंग ऑफ एनर्जी हो जाती है, विच इज़ लेस देन द एनर्जी ऑफ द इंडिविजुअल एटम। मतलब उसकी एनर्जी कम हो जाती है, जो इंडिविजुअल इंडिविजुअल एक एटम की एनर्जी है उससे कम हो जाती है। द रिजल्टिंग कंपाउंड इज लोअर इन एनर्जी हैंस मोस्ट स्टेबल। मतलब जिसमें जितनी कम एनर्जी होगी वो उतना स्टेबल रहेगा, जिसमें ज़्यादा एनर्जी रहेगी वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा एटम्स में। ये बात ध्यान रखनी है आपको, ओके। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब देखो एक क्वेश्चन और बता देता है, वो क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। तो आपका पहला बॉन्ड होता है आयोनिक बॉन्ड, दूसरा होता है कोवलेंट बॉन्ड। वॉट इज योर आंसर? आयोनिक बॉन्ड एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। आयोनिक बॉन्डिंग क्या होती है? द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल। इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल ट्रांसफर करने को क्या बोलते हैं आपको? ध्यान से सुन, देखो क्या चीज़ है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। दोबारा से बोलियो, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है कि द केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय, कैसे फॉर्म होता है आयोनिक बॉन्ड? ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल, तो उसको बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर? अब देखो यहाँ पे आपके दो टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि एक्सप्लेन द टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो देयर आर टू काइंड ऑफ बॉन्डिंग, वन इज आयोनिक बॉन्डिंग, सेकंड इज कोवलेंट बॉन्डिंग। तो आयोनिक बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दोगे, कोवलेंट बॉन्डिंग एक्सप्लेन कर दोगे। फिर इंडिविजुअली भी क्वेश्चन बन सकता है कि वॉट इज आयोनिक बॉन्डिंग एंड वॉट इज कोवलेंट बॉन्डिंग। एग्जैक्टली, सो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब देखो क्या लिखा है, द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन 3 स्टेप। अब एक क्वेश्चन और बन सकता है कि व्हाट आर द स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। क्या क्वेश्चन बन सकता है? जैसे मैं आपको क्वेश्चन बनता है बोल रही हूँ ना, आप वो क्वेश्चन को साथ के साथ नोट डाउन करते जाओ अपनी नोट पैड में, ओके। सो क्वेश्चन इज कि व्हाट आर द स्टेप
इन द फॉर्मेशन ऑफ अ आयोनिक बॉन्ड. सो योर आंसर इज कि द आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस इन थ्री स्टेप्स. फर्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ अ कैटाइन बाय मेटल विथ लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, मतलब पहला स्टेप तो ये होता है कि कैटाइन कैटाइन क्योंकि मेटल्स में क्या होता है, कैटाइन मेटल्स होते हैं वो लूज करते हैं, एंड देन फॉर्मेशन ऑफ एनायन बाय नॉन मेटल विद गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड कंबाइन हो जाता है कैटाइन एंड एनायन जिस बाय इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू फॉर्म आयोनिक बॉन्ड. ओके, अब सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि आयोनिक बॉन्ड क्या होता है. तो हमने पढ़ा, हमने बोला कि आपका जो आयोनिक बॉन्ड होता है ना, आयोनिक बॉन्ड होता है जब मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होता है, उसको हम आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोकोवलेंट बॉन्ड कहते हैं. ओके, उसके बाद हमने बोला कि आयोनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन कैसे होता है. तो पहले हमने बोला कि कैटाइन जो होता है वो क्योंकि लूज करेगा मेटल का, देन एनायन गेन करेगा, फिर दोनों कंबाइन हो जाएंगे इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स की वजह से. उसी इसी तरीके से क्या फॉर्म होता है, आपका आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होता है. ओके, नेक्स्ट इज आयोनिक कंपाउंड आर सॉलिड. आयोनिक कंपाउंड कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं, हार्ड होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट. अब एक क्वेश्चन आप यहाँ पे लिखो, व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ एन आयोनिक कंपाउंड, कि एक आयोनिक कंपाउंड के क्या करेक्टरिस्टिक होते हैं. ठीक है, तो हम बोलेंगे कि वो सॉलिड होता है, हार्ड होता है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, एंड दे आर सॉल्यूबल इन वाटर बट इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट. सो वाटर में तो सॉल्यूबल होते हैं लेकिन इनसॉल्यूबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में. दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट एंड इन एक्वस सॉल्यूशन. ओके ओके, सो नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कोवलेंट बॉन्डिंग. क्या होती है कोवलेंट बॉन्डिंग, हमने बोला दो तरीके की बॉन्डिंग होती है. आयोनिक बॉन्डिंग हमने पढ़ा, फिर आयोनिक बॉन्डिंग का क्या कैसे फॉर्मेशन होता है, देन व्हाट इज द करेक्टरिस्टिक एंड व्हाट आर द करेक्टरिस्टिक ऑफ अ कोवलेंट बॉन्डिंग, और यू कैन सी सॉरी आयोनिक बॉन्डिंग और इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो बॉन्डिंग. ठीक है, अब आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ बॉन्डिंग क्या होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग. तो कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होता है, द केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू अटम्स. कितने, बिटवीन टू अटम्स, यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की टू अटम्स के बीच में, तो उसको क्या बोला जाता है, कोवलेंट बॉन्डिंग बोला जाता है. ओके, कोवलेंट बॉन्डिंग इज हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग द फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. H2, Cl2, O2, N2 आर सच एज न्यूक्लियस फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन बिटवीन सिमिलर एटम. मीन्स कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, देखो आपका आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है, जैसे सपोज करो मैं बोल सकती हूँ कि हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ, लेट्स से इट्स एन एग्जाम्पल, इट हो सकता है इट माइट नॉट बी यू नो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल टू मेक क्लियर कि आयोनिक बॉन्डिंग क्या होता है, कि हाइड्रोजन जो है वो बॉन्ड बना रहा है क्लोरीन के साथ, तो ये तो आयोनिक बॉन्ड हो गया. लेकिन जब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग बनाता है ना, तो उसको कोवलेंट बॉन्डिंग कहते हैं, यानी कि वो क्या होता है, उसके अंदर आपके क्या होते हैं, सिमिलर एटम होते हैं. ठीक है, वाइल H2O एंड HCl कंपाउंड फॉर्म बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डी सिमिलर एटम्स हो गया. ठीक है ओके, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आयोनिक बॉन्डिंग की भी क्या कंडीशन होती है, कि आपका मेटल से नॉन मेटल होना चाहिए और नॉन मेटल टू नॉन मेटल होना चाहिए. ठीक है, तो आयोनिक बॉन्डिंग में पॉसिबल है कि अलग अलग हो सकते हैं आपके जो कंपाउंड्स हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, एटम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप मेटल को मेटल के साथ कर दोगे. नो, नॉट पॉसिबल. मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र होना चाहिए, नॉन मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफ़र होना चाहिए. ठीक है, और आपका नॉन मेटल टू मेटल ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है. ओके ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ शेयरिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाई ईच अटम, कोवलेंट कंपाउंड आर क्लासिफाइड एज अ सिंगल बॉन्डेड, डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड. ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड कितने टाइप के होते हैं, सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड होते हैं. वेन शेयरिंग ऑफ वन इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस फ्रॉम बोथ द अटम, सिंगल बॉन्डेड फॉर्म्ड लाइक दिस, इस तरीके से होता है. अब देखो आपको ध्यान रखना है कि कोवलेंट बॉन्डिंग क्या होती है, सिमिलर टाइप ऑफ एटम्स में होती है. तो तीन तरीके से होती है, एक होती है सिंगल, डबल, ट्रिपल. सपोज क्लोरीन से क्लोरीन है तो Cl टू Cl कर देंगे, लेकिन अगर डबल बॉन्डिंग है Cl, इसके बीच में डबल बॉन्डिंग का साइन आ जाएगा Cl.
अगर ट्रिपल बॉन्डिंग है तो सी एल, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग आ जाएगा सी एल. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट इज डबल बॉन्ड इज फॉर्म व्हेन टू सिमिलर एटम्स आर, जैसे मैंने आपको बताया डबल का ये हो गया ठीक है, और ट्रिपल में आपका ये चीज हो गई. ओके अच्छा नेक्स्ट पॉइंट, द डी सिमिलर एटम ऑल्सो शेयर इलेक्ट्रॉन्स बट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टूवर्ड्स मोर रिएक्टेड एटम एज इन दिस. ठीक है, डी सिमिलर एटम भी शेयर करते हैं इलेक्ट्रॉन है ना, लेकिन वो शिफ्ट किसकी तरफ होते हैं, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जैसे एच सी एल हो गया, एच टू ओ हो गया. अब देखो एच सी एल और एच टू ओ कैसे मोर रिएक्टिव हो गए, देखो आपके हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, वन, तो इसको वन और चाहिए होता है. क्लोरीन के पास आपके 17 होते हैं, तो इसका अगर मैं इलेक्ट्रो वाला इलेक्ट्रॉनिक वो करूं कॉन्फ़िगरेशन, तो 1 8 सॉरी 2 8 10 और ये हो गया 7, तो इसको इसमें कंप्लीट करने के लिए 1 चाहिए. तो ये दोनों रिएक्टिव हुए ना, मोस्ट रिएक्टिव हो गए. ठीक है अच्छा, अब एच टू ओ हो गया, तो ये तो रिएक्टिव हुआ, ये भी रिएक्टिव हो गया. इस तरीके से शिफ्ट करते हैं मोस्ट रिएक्टिव की तरह. ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड मोस्ट लाइकली हैव लिक्विड और गैशियस स्टेट. जैसे हमने बोला कि आयोनिक जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उसी तरीके से कोवेलेंट बॉन्ड के कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मोस्टली ये लिक्विड और गैशियस स्टेट में पाए जाते हैं. कुछ सॉलिड भी होते हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. अब मैं आप एक क्वेश्चन और नोट डाउन करो कि डिफरेंस बिटवीन कोवेलेंट बॉन्ड एंड आयोनिक बॉन्ड. तो पहला डिफरेंस ये हो गया कि जो आपके आयनिक होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं. कोवेलेंट आपका लिक्विड और गैसियस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड भी हो सकते हैं. उन दोनों का हाई मेल्टिंग पॉइंट हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और इसका लो मेल्टिंग पॉइंट लो बॉइलिंग पॉइंट होता है. दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, वो सॉल्यूबल इन वाटर एंड इनसॉल्यूबल इन ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये इसका ऑपोजिट होते हैं. सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन कोवेलेंट कंपाउंड एंड आपका आयोनिक कंपाउंड. ठीक है, एंड दे आर नॉट नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो आपका एक क्वेश्चन डिफरेंस भी बन जाता है कोवेलेंट और आयोनिक बॉन्ड में. ओके अब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगेशन ऑफ नोबल गैसेस बना है. अब सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि नोबल गैसेस होता है क्या. देखो नोबल गैसेस कन्फिग्रेशन वो होता है जिनके जो यू नो वैलेंसी सेल होते हैं या आउटर मोस्ट सेल होता है वो बिल्कुल कंप्लीट होता है. जैसे हीलियम हो गया, इसको किसी के साथ मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि स्टेबल स्टेट में होता है. नियॉन हो गया 10 2 8, ऑर्गन हो गया 2 8 8, देन आपका केआर हो गया, ये है क्रिप्टन ठीक है, इसके 36 होते हैं, तो 2 8 18 8 आपका. उसके बाद हो गया ज़ेनॉन हो गया, तो 280 इस तरीके से, एंड रेंडन हो गया ये. सो दीज आर दी नोबल गैसेस. आपको ध्यान रखनी है कि आपके यहाँ पे 6 नोबल गैसेस दी हुई हैं, और नोबल गैस क्या होती है, जिनका आउटर मोस्ट और यू नो लास्ट वाला सेल जो होता है वो फिल होता है विद द वैलेंसी, मतलब उनकी वैलेंसी सेटिस्फाइड होती है, उनको किसी के साथ भी मिक्सअप करने की ज़रूरत नहीं होती. ओके नाउ नेम, अब यहाँ पे ना कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने पॉइंट पढ़े, जो हमने पीछे सारा डिस्कस करा, दिस इज ऑल द थ्योरी ऑफ दिस चैप्टर. आप इस वीडियो को एक बार नहीं दो बार सुनो, आपको सब समझ आ जाएगा. एंड प्लीज मेक योर नोट्स, जो जो मैंने क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए हैं उन क्वेश्चन को भी आप नोट डाउन करो. ठीक है, आप उसको नोट डाउन करो क्वेश्चंस को, देन इन क्वेश्चंस को हम आप फिर करोगे तो आप यू कैन रिलेट. इफ़ यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग नो तो आपको समझ आएगा. सो दिस इज होल द थ्योरी ऑफ योर चैप्टर. ठीक है, क्वेश्चन है कि नेम द टू टाइप्स ऑफ आयन प्रेजेंट इन NaCl. देखो आयन दो तरीके के होते हैं, एनायन और कैटायन. ठीक है, एनायन और कैटायन होता है, तो सॉल्यूशन में एक आपका एनायन ये वाला हो गया, एक ये वाला हो गया, Cl और Na, Na प्लस हो गया और Cl आपका नेगेटिव हो गया, कैटायन और एनायन. ठीक है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रेजेंट इन Na, Na मतलब आपका सोडियम आयन, कितने सेल्स होते हैं, टू. व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन क्लोरीन, कितने प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन में. नेम द टू टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट इन आयोनिक कंपाउंड, कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये क्वेश्चन छोटे छोटे हैं, आपको पता होना चाहिए. इन सोडियम क्लोराइड लैटिस हाउ मेनी सी एल एन आयन सराउंड
ईच आयन, तो ये आपका आंसर है 6। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर गाइज। अगर आपको समझ आया है तो आई होप आपको समझ आया, अगर नहीं समझ आया, आपके कोई भी डाउट्स है तो हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है आप वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वारीज वहाँ भेज सकते हैं। ठीक है, जो भी डिटेल्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनके लिए हेल्पफुल हो सकती है, और आप इस वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुई हो तो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो, टिल देन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टेक केयर। दोस्तों, मैंने आपके लिए फेसबुक पर एक पेज बनाया है जिसका नाम है ST लर्निंग सेंटर, एक फेसबुक ग्रुप बनाया है जिसका नाम है STLC। आप फेसबुक पर सर्च कर पेज को लाइक कर सकते हैं, ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको ग्रुप से ज्वाइन होने का लिंक दिया गया है, जहां से आप डायरेक्ट फेसबुक ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। इस ग्रुप में आपके जैसे हजारों हजारों विद्यार्थी हैं जिनसे आप अपने सवाल जवाब कर सकते हैं, जैसे आपकी बुक्स नहीं मिली, आपका आई कार्ड नहीं मिला, हॉल टिकट, प्रैक्टिकल असाइनमेंट और NOC पढ़ाई लिखाई को लेकर कई सवाल जवाब आप कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी के सवाल का जवाब पता है तो आप हेल्प कर सकते हैं। इस ग्रुप में मैं भी हूँ, लेकिन समय कम होने की वजह से और सैकड़ों हजार विद्यार्थियों के सवालों का जवाब देना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं रोजाना 40-60 विद्यार्थियों के सवालों का जवाब दे पाता हूँ। इसे ज़रूरी है कि आप इस ग्रुप में एक दूसरे की हेल्प करें। तो चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।